हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे डीयू सोल डिग्री, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डिग्री होती है उसका एक नया फॉर्मेट आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ, जो डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि जो डिग्री है वो दिखती कैसी है, मतलब दिखने में कैसी होती है और कब मिलती है और कैसे मिलेगी, इसका क्या है पूरा प्रोसीजर है। आज की वीडियो ऑल स्टूडेंट के लिए है जो स्टडी कर रहा है या जो ग्रेजुएट हो चुका है बट उसको अभी तक डिग्री नहीं मिली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि एक नया कंटेंट लेकर आऊँ मैं, जो काफ़ी ज़रूरी रहता है, जो नए स्टूडेंट है उनको भी मन में रहता है कि डिग्री होती कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम सोल में तो पढ़ रहे हैं, क्या हमें सोल की डिग्री मिलेगी या दिल्ली विश्वविद्यालय की मिलेगी? ठीक है, तो इसका भी जो डाउट है मैं क्लियर कर दूँगा। जो मैं डिग्री आपको दिखाऊंगा ना, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ वहाँ सोल से आपने स्टडी की हुई है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको दो डिग्रीज दिखाता हूँ, फिर वो लेटेस्ट डिग्री जो स्टूडेंट को अब मिल रही हैं और आगे टाइम में भी मिलेगी, जो आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, इससे पहले डिग्री कैसे मिलती थी पहले वो आप देख लीजिए। तो देखिए, ये डिग्री है जो 2000 से पहले मिला करती थी, आप देख सकते हो, ये डिग्री है, ये डिग्री वो डिग्री है जो 2000 से पहले मिला करती थी स्टूडेंट को दिल्ली विश्वविद्यालय की सोल की डिग्री आपके सामने है। रेगुलर को भी सेम यही डिग्री मिलती है, सोल को भी और एनसीबैप को भी, देख लीजिए। ये 2000 से पहले का फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद चेंज हुआ, उसके बाद ये डिग्री हुई, ये डिग्री 2015 तक मिली स्टूडेंट को, देख लीजिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, 2014-15 तक ये वाला फॉर्मेट चला, देख लीजिए डिग्री में चेंज देखिए आप, चेंज जो मैं आपको चेंज दिखा रहा हूँ, चेंज देखिए आप, ये चेंज आपको डिग्री में देखने को मिल रहा है। अब जो लेटेस्ट फॉर्मेट आया है डिग्री का वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है पहली वीडियो होगी जिसमें लेटेस्ट फॉर्मेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कंटेंट ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए, ये है लेटेस्ट डिग्री जो कि सोल की तरफ से अब प्रोवाइड की जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। ये सोल की डिग्री है, मतलब एक सोल के स्टूडेंट को मिली हुई है, और रेगुलर की डिग्री भी सेम है ऐसी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपने सोल से की हुई है, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से की हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय जो स्टूडेंट को मिली हुई है। यहाँ आपका रोल नंबर रहता है या नामांकन संख्या रहती है जो कि हाइड कर रखी है। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी ये बीकॉम की है, ठीक है, देख लीजिए। और इस स्टूडेंट ने 2019 में परीक्षा पास की थी, ठीक है, और कितनी ग्रेड आई थी, द्वितीय, मतलब ये सेकंड डिवीजन से पास हुआ था, ठीक है, यानी 2019 में ये ग्रेजुएट हो गया था, अब इसे डिग्री मिली है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ द सर्टिफाइड द हैविंग बीन एग्जाम द 2019 फाउंड द क्वालिफाइड फॉर द डिग्री फॉर बैचलर कॉमर्स। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने क्वालिफाई कर लिया बैचलर ऑफ यानी बीकॉम में। और यहाँ आपके पापा का, यहाँ पे आपका नाम मेंशन होता है, देख सकते हो आपके सामने है। उसके बाद वाज अवार्डेड द सेड डिग्री एट द कॉन्वेक्शन हेल्ड 2019 में जो कॉन्वेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हो कहीं भी यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि सोल की डिग्री है। यहाँ पे देखिए, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार है उनके साइन है। यहाँ पे तारीख डाल रखी है कब ये ग्रेजुएट हुए थे, और फिर कुलपति के यानी वाइस चांसलर के, देख लीजिए आपके सामने है, देखिए योगेश त्यागी जी का, देखिए आपके सामने है। तो कहीं सोल नहीं लिखा है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो डिग्री मिलेगी हम सोल से कर रहे हैं, क्या उसकी कोई वैल्यू रहेगी? भाई आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सोल के स्टूडेंट की डिग्री है, और रेगुलर की डिग्री दोनों को रख देना, पहचान नहीं पाएगा कि ये सोल की है या रेगुलर की। डिग्री में सिर्फ यूनिवर्सिटी मेंशन होती है जो कि ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मिलती कैसे है, क्या करना पड़ता है और कब मिलती है? तो देखिए, पहली चीज़, ये डिग्री आपको तब दी जाती है जब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ले। तो अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, मान लीजिए अगर बैक थी, अगर आपने वो बैक का पेपर क्लियर कर दिया, फाइनल ईयर तक अगर आपके पास कोई भी बैक नहीं रहती, आप सारे पेपर में पास हो जाते हो, या पहले किसी में एफ थे या कुछ भी था, बैक था, उसको सारे पेपर आप पास कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, उसके एक से डेढ़ साल से दो साल बाद आपको डिग्री दी जाती है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का नियम है कि दो साल
टाइम लेती है डिग्री बनने में, 2 साल बाद आपको डिग्री दी जाती है। बट इस बार सोल ने बहुत जल्दी डिग्री प्रोवाइड करवाई है, 2021 तक के जो स्टूडेंट है उनको जो डिग्री है, 2020 और 21 के जो स्टूडेंट है उनको जो डिग्री है वो बाय पोस्ट भेजी जा रही है, और 2020 से पहले के जितने स्टूडेंट हैं उनको जो डिग्री है वो दिल्ली विश्वविद्यालय जाके आप कलेक्ट कर सकते हो प्रोविजनल मार्कशीट, और अपना एक आईडी कार्ड ले जाके वहाँ से डिग्री ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री है जो मिलती है ओरिजिनल डिग्री, इसी को कहते हैं सोल की डिग्री कह सकते हो या दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री कह सकते हो, क्योंकि मैं तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट कहते हैं सर सोल की डिग्री कोई वैल्यू है भी या नहीं, तो आपके सामने है देख लीजिए, रेगुलर की रख लेना, इसको रख लेना, पता चल जाएगा, तीनों की जो डिग्री का फॉर्मेट अब यही है। तो बाकी इस बार जो डिग्री मिलेगी, जो इस साल जो पास होंगे उनको जो डिग्री मिलने का सिलसिला वो अगले साल लास्ट तक हो सकता है मिलना स्टार्ट हो सकता है, बाय पोस्ट है या आपको बुलाए उसके लिए सोल ही आपको अपडेट करेगा, क्योंकि इनको 2 तरीके का फॉर्मेट होता है। तो ये जो डिग्री आई है ये उनको वहीं जाके कलेक्ट इन्होंने की है, कि 2019 के स्टूडेंट है ये, 2019 में इन्होंने पास की थी तो इनको वहीं मिली है, जो 2020 के बाद जितने स्टूडेंट हैं उनको बाय पोस्ट डिग्री भेजी जा रही है। ठीक है, तो मिलती तभी है जब आप ग्रेजुएट होते हैं, और यही वो डिग्री है जो कमरों में टंगाई जाती है जब किसी लड़के की शादी नहीं होती तो बताया जाता है कि हमारे बच्चे ने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, और डिग्री का डिग्री दीवार पे टंगी हुई है, वो अलग बात है ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ना मिले बट डिग्री आपको ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो ये थी वीडियो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच।